कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर के बयान की। राज बब्बर ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि किसान विरोधी है मोदी और योगी सरकार, आलू किसानों को उचित कीमत दे योगी जी। ये बयान राज बब्बर, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि उचित कीमत दे दें तो विपक्ष माफी मांग लेगा। अखिलेश राहुल की दोस्ती गठबंधन से ऊपर, लोकतंत्र से बड़ा है बीजेपी सरकारों का तंत्र। तो ना सिर्फ योगी सरकार बल्कि केंद्र की मोदी सरकार पर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने निशाना साधा और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। राज बब्बर जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं, गाजियाबाद जाने वाले हैं, किसानों की समस्या है। सर, इससे पहले भी आप लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन अब भी किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया है और आज तो पुलिस ने पूरा प्रशासन लगा रखा है आपको हिरासत में लेने के लिए। देखिए, काम है वो अपना काम करे, बीजेपी की सरकार से और कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि 5 दिसंबर से किसान अपनी जायज मांग के लिए ऊपर के कपड़े उतार कर नंगे बदन बैठा हुआ इस कड़कड़ाती हुई ठंड के अंदर, उसके बावजूद भी ये गूंगी बहरी सरकार, पड़ोस में दिल्ली है, प्रधानमंत्री किसानों की बात करते हैं, किसानों की नोएडा जाते हैं, लेकिन जो है मंडोला में किसान को नहीं देख पाते। मुख्यमंत्री योगी जी वहां जाकर कर्नाटक में किसानों से मिल रहे हैं, लेकिन उधर से उतरते जाते आते हुए कभी इधर के किसानों से भी मिल लेते जो यहां पर नंगे बदन बैठे कड़कड़ाती धूप के अंदर। लेकिन सरकार, राज्य सरकार को तो लगता है कि आलू गिरे विधानसभा के बाहर, वो भी राजनीतिक साजिश। अगर आलू राजनीतिक शासन के तहत गिरे हैं तो आलू का दाम, ऐसा काम वो कर ले कि आलू के दाम वो बता दें कितने हैं और आलू वो खरीद दे, सरकार खरीद दे। जो गिरे हैं उसके लिए क्षमा मांग लेंगे, जो भी राजनीतिक पार्टियां सारी मिलके हम मांग लेंगे। मैं सबसे गुहार करूंगा कि अगर किसान को किसान के आलू के वाजिब दाम मिल रहे हैं तो आओ हम सब मिलके, जो है हम सारी पार्टियां मिलके, हमारे सारे नेता मिलके, हम सभी लोग जिन पर एक पर लगा रहे होंगे, किसी एक विपक्ष पर, मैं कहता हूँ सब लोगों को हम कहेंगे कि आओ चलो इनको धन्यवाद दें। चलिए, राज बब्बर जी की मान्यता का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी का तंत्र लोकतंत्र पर भारी होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश के किसानों के हालात हो या फिर उत्तराखंड के व्यापारियों के। कैमरामैन अभिजीत शर्मा के साथ राहुल डबास, दिल्ली, समाचार प्लस।